हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने सेंट्रल मास के बारे में बात करी थी और हमने कुछ एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में सेंट्रल मास निकाला भी था, लाइक सेमी सर्कुलर वायर, और अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ अ सॉलिड सेमी हेमिस्फीयर। पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। जो ये हेमिस्फीयर है, ये यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और इसका मास इज कैपिटल एम और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। तो ये हमारा हेमिस्फीयर बन गया। देखें, सो दिस इज आवर हेमिस्फीयर और इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि अगर ये मैं एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊं तो जो सेंट्रल मास है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, विच वर्टिकल एक्सिस पर लाई करेगा, विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस सर्कल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। सो लेट अस से यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया और इसमें जो एलिमेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। तो हमने अपने हेमिस्फीयर को हॉरिजॉन्टल डिस्क में डिवाइड कर दिया और दिस इज अवर दिस इज अवर एलिमेंट। अब इस केस में मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो सेंटर है वो यहां पर है और इसकी जो विड्थ है इज डी वाई एंड इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक वाई और इसकी जो थिकनेस है उसको हम बोल देते हैं डी वाई। सो डी वाई इज द थिकनेस और जो हमारा एलिमेंट है वो डिस्क की शेप में है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे इस एलिमेंट का मास क्या है, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा, इसको डीएम बोल देते हैं और इसका मास क्या होगा, मास ऑफ द हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। बिकॉज ये सॉलिड बॉडी है तो यहां पर वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम कितना है इसका, 2/3 πr³ टाइम्स। अब हम मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। इसकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, अगर ये वाई है एंड यहां से लेकर यहां तक दिस इज योर आर, सो द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, जो हमारा एलिमेंट है उसका रेडियस क्या होगा, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना। सो लेट अस से द रेडियस इज आर, सो दिस रेडियस इज आर, सो आर कैन बी योर r² - y² तो यहां से आर निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट है डी वाई जिसका रेडियस है स्मॉल आर। तो यहां पर ये बन गया हमारा पाई आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r² - y² इसका स्क्वायर टाइम्स थिकनेस दैट इज हाइट डी वाई। तो ये तो हो गया हमारा डीएम। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सो वाई विल बी इंटीग्रल ऑफ योर वाई डी एम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पर वाई, यहां पर डीएम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं डीएम को। सो डीएम विल बी योर पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास और हमारे पास मिला हमें 3m/2r³ r² - y² इनटू डी वाई। तो ये हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको बाहर निकाल देते हैं 3m/2r³ इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर में m भी है y टाइम्स r² - y² dy। और यहाँ पर जो y है हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये जो एलिमेंट है वो एकदम हम नीचे भी ले सकते हैं या सबसे ऊपर भी ले सकते हैं। तो y is changing from 0 to capital R। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट हो जाएगी 0 से capital R तक हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल, सो वी हैव 3/2 यहाँ पर r³ है और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे आप देखोगे y को इसको लिख सकते हैं y r² - y³ dy। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इंटीग्रेशन को, पहले इसको करो फिर इसको करो। तो यहाँ से आपको क्या मिला,
यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/2r³, ये हो जाएगा आप बच्चों आपका 0 से कैपिटल R है, सो इट विल बिकम योर y² / 2, दैट इज r^4/2 माइनस r^4/4, तो ये हमको मिला, और ये कितना हो गया बच्चों, इट विल बी 3/2r³ टाइम्स r^4/4, सो यहां से 3r कैंसिल हो गए एंड वी विल गेट 3r/8, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां से यहां पर सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो ये y इज कमिंग आउट टू बी 3r/8, सो इट दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, 3r/8, तो ये याद रखते हैं आपने कहां पर है y इज इक्वल्स टू 3r/8, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर है, इफ वी हैव हॉलो हेमिस्फीयर, सो दिस इज अवर हॉलो हेमिस्फीयर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको रिंग्स की फॉर्म में हम स्प्लिट करेंगे, कह सकते हो रिंग्स की फॉर्म में हमने इनको हॉरिजॉन्टल रिंग्स की फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमारा जो एलिमेंट है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके, सो दिस इज अवर एलिमेंट, सो अगेन मैं वर्टिकल एक्सिस को मान लेता हूं, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज वाई, एंड ड्यू टू सिमेट्री द सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द वाई एक्सिस ओनली, तो आप यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हम बोल देते हैं वाई है, अगेन से द रेडियस इज आर, रेडियस ऑफ दिस रिंग इज स्मॉल आर, एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज कैपिटल आर, इसका मास हमको गिवन है दैट इज कैपिटल एम, सो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ योर r² - y² आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहां पर आसान तरीका क्या होगा, हम इसको एंगल की फॉर्म में करेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहां पर, इसको हम लिख सकते हैं हमें चाहिए ये लेंथ, ये जो लेंथ है सो दिस लेंथ इज dl, सो वी रिक्वायर दिस dl, तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है, तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये जो लेंथ है dl वो सेंटर पर कितना एंगल सबस्टेंड कर रही है, सो से दिस एंगल इज d थीटा और ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, ओके, तो एलिमेंट की जो पोजीशन है मतलब इस वाली आर्क लेंथ की जो पोजीशन है फ्रॉम द एक्सिस y एक्सिस वो कितनी है, थीटा है, तो ये dl कितना हो जाएगा बच्चों, dl विल बी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, हम इससे नहीं करेंगे, सो dl कम्स आउट टू बी r d थीटा, एंड दिस r, दिस स्मॉल r विल बी, दिस इज योर रेडियस, रेडियस का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, सो इट विल बी r sin थीटा, क्लियर, सो दिस थीटा इज वेरिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं थीटा, तो आपको जो एलिमेंट है वो नीचे भी हो सकता है एकदम कंप्लीट नीचे, उस केस में थीटा विल बी 90 डिग्री, और ये रिंग आप ऊपर भी ले सकते हो, तो उस केस में थीटा विल बी 0 डिग्री, तो आपका थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, तो आपको ये समझ आ गया थीटा की रेंज क्या है 0 से 90 डिग्री। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे, डीएम निकालते हैं, सो डीएम विल बी मास ऑफ द हेमिस्फीयर डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट विल बी 2π r² टाइम्स द एरिया ऑफ द एलिमेंट। अब एरिया कैसे निकाले, एक सिलेंडर की तरह है ये, जिसमें आप कह सकते हैं इसका रेडियस जो है स्मॉल r है और इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू dl, तो dl आपने निकाल लिया, dl इज r d थीटा, और इसकी इसकी जो सिलेंडर की तरह बन रहा है तो सिलेंडर का जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो क्या हो जाएगा 2π r, 2π r, तो उसको लिख सकते हैं 2π r विल बी योर r sin थीटा,
times the height that is dl, which is r d theta. Okay, so हमको मिल गया surface area of the element. अब देखो यहाँ पे जो cancel हो रहा है उसको काट देते हैं. पाए से पाए कैंसल, टू से टू कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, एक आर और है ये भी कैंसल हो गया. तो यहां से हमको डीएम मिल गया है. डीएम आपका कितना आ गया, एम आर साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, तो डीएम हमको मिल चुका है. अब हमें क्या करना है, अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का. बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा. तो आपके पास फॉर्मूला है वाई का ये. ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. स्मॉल y क्या है बच्चों, यहाँ पर स्मॉल y विल बी, ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट विल बी r cos थीटा. सो दिस लेंथ विल बी r cos थीटा, तो y विल बी r cos थीटा. तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं. सो योर y विल बी इंटीग्रल योर r cos थीटा टाइम्स dm, दैट इज mr sin थीटा d थीटा, द होल थिंग डिवाइडेड बाय मास, that is m. तो ये m से m cancel हो जाएगा वहाँ. और जो यहाँ पर limit है that is from 0 to pi by 2. आप देख सकते हैं कि theta कहाँ से कहाँ तक vary कर रहा है. theta की maximum value हो सकती है जब आपका ये element एकदम नीचे हो, तो वो होगा 90 degree. और 0 अगर ये element सबसे ऊपर है तो theta की value होगी 0 degree. तो आप देख सकते हैं 0 से pi by 2. तो यहाँ से हमें क्या मिला, आपके पास r square आ गया है. okay, and this comes out to be r m. oh, there is no r बच्चों, यहाँ पर dm में कोई r नहीं है. so यहाँ पर एक r कम कर दो. so we have this, so there is only one r. so what we have, यहाँ पर cos theta sin theta दिख रहा है, तो उसको मैं sin 2 theta की फॉर्म में लिख देता हूँ. आपको पता है कि 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta. तो इसको आप लिख सकते हैं साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू. ओके, एंड दिस इज इसका इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू. अब आपको पता है कि जो साइन टू थीटा है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और अगर थीटा के साथ टू लगा हुआ है तो आपको टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो ये क्या बन गया, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय फोर, लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू, और बाहर आपका आर है. ओके, तो अब यहां पर देखो क्या होगा, इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं. ठीक है, इस फोर को भी हम बाहर निकाल देते हैं. सो व्हाट वी हैव, माइनस आर बाय फोर टाइम्स कॉस, अपर लिमिट पुट करी तो हमको मिला पाई माइनस कॉस जीरो. cos pi is minus 1, cos 0 is 1, so ये जो bracket है इसमें आ गया आपका minus 2, तो minus 2 और बाहर एक minus है, तो ये term आपकी हो जाएगी r by 2. so the center of mass, मान लो कि यहाँ lie कर रहा है center of mass, तो उसके coordinates हो जाएंगे 0, r by 2. okay, और इस case में जो center of mass था उसके coordinates थे 0, 3r by 8. तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. तो इस केस में जो y है दैट इज r by 2. ओके, तो अब देखते हैं कौन सॉलिड कॉन और होलो कॉन में क्या होता है हमारा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो से दिस इज योर सॉलिड कॉन, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम अपना हमारा जो एलिमेंट होगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल डिस्क में डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, इस तरह से. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्क हमारी एलिमेंट है. अब इसकी पोजीशन मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं. तो अगर ये ओरिजिन है तो ये वाई एक्सिस हो गई. ओके, सो बायसिमेट्री एक्सिस सिमेट्री पर लाई करेगा आपका जो सेंटर ऑफ मास है. तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को बोल देता हूं, से दिस डिस्टेंस इज वाई. ओके, एंड दिस विड्थ इज डी वाई. डी वाई इज द विड्थ ऑफ द एलिमेंट.
एंड से दिस इज योर आर, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, और आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज कैपिटल आर, और जो इसकी हाइट है टोटल जो कोन की हाइट है दैट इज कैपिटल एच. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास. अब सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर डीएम क्या होगा, इसका मास निकालना है हमें, तो मास हो जाएगा डीएम विल बी, इट इज अ सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी वाई. अब हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल आर आ रहा है वेरिएबल और एक वाई है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो सेम वेरिएबल में रहे, सिंगल वेरिएबल में, तो हम आर को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप देखें यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर, और ये आपका है वाई, एंड दिस एंटायर हाइट इज H. ओके, तो इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल जिसमें ये 90-90 का है. तो आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं. तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जो आपका होगा, मैं यहां पर L लिख देता हूं एक, और इसको स्लांट हाइट भी बोल देता हूं, दिस इज L एंड दिस एंटायर थिंग इज कैपिटल L. ओके, तो यहां पे आप कह सकते हैं y अपॉन Your H is equals to Y upon H is equals to small r upon capital R is equals to small L upon capital L. तो ये रूल ये लगा सकते हैं, साइड जो है प्रोपोर्शनल होगी ट्राइंगल की. तो यहां से आप R को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ Y, सो R will be capital R upon H into Y. तो DM क्या हो जाएगा हमारा, DM will become pi capital R square upon H square into y square dy. So this is our DM. और आपको पता है कि अगर हमें y निकालना है तो y का formula क्या है, y DM divided by integral DM. Integral DM का मतलब क्या है, mass of the body. तो mass of the body is given as capital M. तो इसका मास हमें m गिवन है, मास इज m, सो दिस थिंग इज m, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, इट विल बिकम y टाइम्स ओके. यहां पर तो हमने केवल अभी सॉरी ये आपका dm नहीं है, दिस इज जस्ट द वॉल्यूम This is just the volume of this disc, ठीक है? तो इसको हमें multiply करना पड़ेगा mass per unit volume से. तो इसको मैं लिख देता हूँ dv. This is just your dv, ठीक है? अब dv से हमें dm निकालना है. So dm will be mass upon volume of the cone, that is 1/3 pi r square h into dv, that is pi r raised to power 2 y square dy upon x square. अब यहाँ पे देखते हैं क्या cancel हो रहा है, r square से r square cancel हो गया, pi से pi cancel हो गया, that's it and we will left with 3m y square dy upon h cube. तो ये हमको मिल गया, so this is your dm. अब dm की value हम substitute कर देते हैं यहाँ पर, तो it comes out to be 3m y square dy upon h cube divided by capital M. M से M cancel. So we left with 3 upon h cube y cube dy. अब यहां पर जो लिमिट है बच्चों, आपका जो y है it is varying from 0 to capital H. ठीक है ना, y की smallest value कितनी है, 0 है, और maximum value कितनी है, capital H है. तो सब्स्टिट्यूट करते थे 0 टू कैपिटल H एंड इट विल बिकम 3 अपॉन H क्यूब योर H रेस्ट पर 4 अपॉन 4, सो इट कम्स आउट टू बी 3H बाय 4. तो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका जो एपेक्स है वहां से कहां पर होगा 3H बाय 4, सो दिस विल बी 0, 3H बाय 4.
तो ये हमको मिल गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड कोन। तो इस वैल्यू को भी आपने याद रखना है। तो इस केस में जो y है हमारा दैट इज 3h/4, तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं होलो कोन की। होलो कोन, तो ये रहा आपका होलो कोन। तो इसमें भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब यहां पर आपका जो एलिमेंट है वो एक रिंग की शेप में, ठीक है, इस तरह से। जिसमें आप कह सकते हैं दिस इज द हाइट। एक यहां पर आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है जिसकी हाइट कितनी है, डीएल है। दिस इज डीएल और इसका जो रेडियस है हम इसको बोलते हैं। यहां पर मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहले। तो दिस इज योर एक्सिस y एंड दिस इज योर रेडियस। यहां से लेकर यहां तक आपका रेडियस r है और दिस इज योर ओरिजिन। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज y। सेम जो हमने यहां पर लिया था ये y लिया था, सिमिलरली हमने यहां पर भी इसको y ले लिया। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है डिस्क का, जो आपका एलिमेंट है, वो कहां पर लोकेटेड है? एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द y एक्सिस। तो ये आपको मिल गया। अब यहां से dv क्या होगा? dv इज द सॉरी dv यहां पर आपका क्या आएगा? अब ये एक सरफेस है तो इस केस में आप एरिया लेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो मैं यहां पे dm लिख देता हूं। dm विल बी मास अपॉन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? से दिस रेडियस इज r, हाइट इज h, हाइट h है और जो लेटरल सरफेस है, सॉरी लेटरल लेंथ है, स्लांट हाइट है जो, वो कैपिटल l। तो देखिए दिस इज कैपिटल l। तो आपको पता है कोन के केस में जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो वो जो कर्व्ड एरिया है हमारा, जो सरफेस एरिया है बाहर वाला, दैट इज पाई आर एल। सो इट इज पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एरिया ऑफ द एलिमेंट। सो इट विल बी 2 पाई स्मॉल r इनटू dl। ओके, तो dl आ गया। अब हम क्या करें बताओ? अब हमें r को हम लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ l, लिख सकते हैं ना, बिकॉज यहां पर जो स्मॉल dl आ रहा है, dl आ रहा है, तो यहां पर इसको r को हम l की टर्म्स में लिख सकते हैं। और बट यहां पर अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें यहां पर क्या आएगा? y आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि dl को भी y की टर्म में लिख देते हैं, r को भी y की टर्म में लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, उसमें y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल होगा। तो अब देखो हम लिख सकते हैं r को इन टर्म्स ऑफ y। यहां से क्या लिख सकते हैं? r अपॉन h y। और यहां पर l है और यहां पर y है, तो dl और इसको डिफरेंशिएट कर यहां पर dl आ सकता है, यहां पर dy आ सकता है। तो dl विल बी l अपॉन h dy। तो dl को अपने y के टर्म्स में लिख दिया है, r को अपने y के टर्म्स में लिख दिया है। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो dm विल बिकम, और आप कह सकते हैं इट विल बिकम पाई से पाई कैंसिल एंड व्हाट वी हैव 2m upon rl, small r will be r upon capital H y and dl will be l upon capital H dy। अब यहां पर आप देख सकते हैं l से l cancel और हमारे पास क्या है, r से r cancel हो गया and we have 2m y dy upon h square। तो dm हमको मिल चुका है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा जो y है दैट विल बी इंटीग्रल 2m x square। तो यहां पर y है और यहां पर आपके पास एक y यहां से आ रहा है, तो y square हो जाएगा। सो इट विल बिकम y square dy डिवाइडेड बाय m। और इसकी लिमिट क्या होगी बच्चों? 0 से कैपिटल h, y वेरिंग फ्रॉम 0 टू capital H, M से M cancel, so we will left with y equals to
2 अपॉन एच स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर, इंटीग्रल y स्क्वायर dy फ्रॉम 0 टू कैपिटल h, ये कितना हो गया h क्यूब बाय 3, सो इट विल बिकम 2 अपॉन एच स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका h क्यूब बाय 3. सो व्हाट वी हैव, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2h बाय 3. तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये कौन सा होलो कोन है, तो उस केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2h बाय 3 फ्रॉम द टॉप. तो बच्चों अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ एक्सटेंडेड बॉडीज का, अगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास एक सॉलिड कोन है और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो वो देखते हैं. तो सपोज ये आपको कोन दिया है इस तरह से, ठीक है, से द हाइट इज कैपिटल आर और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर, इसका रेडियस भी कितना है कैपिटल आर, तो आपको बताना है वेयर इज द सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का. इसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, इसका मास भी दिया हुआ है कैपिटल एम, तो दोनों बॉडीज का मास क्या है कैपिटल एम है. तो कैसे लोकेट करें, तो आपको पता है ड्यू टू द सिमेट्री जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और आपका जो हेमिस्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, अगर आप याद करें ये हमारा हेमिस्फीयर है, यहां से कहां पर 3r बाय 8 पर होता है ऊपर. सिमिलरली अगर हम कोन के कोन को याद करें सॉलिड कोन, तो उस केस में टॉप से यहां पर कहीं होता है, दैट डिस्टेंस इज 3h बाय 4, ठीक है. तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, टॉप से यहां पर, अगर मैं इसको बोल देता हूं से 0, इफ दिस इज माय ओरिजिन, तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इट विल बी 3h बाय 4 या 3r बाय 4, क्लियर ना. और ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका है 3r बाय 8, तो 3r बाय 8 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से अगर निकाल लें ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3r प्लस 3r बाय 8, ओके. तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेंटर मास हमने लोकेट करा हुआ है, तो सेंटर आप मान सकते हैं कि जो हमारी जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं इनको हमने स्क्वीज कर दिया और एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया, तो आपके पास क्या सिस्टम बन गया, ये आपका ओरिजिन है और यहां पर एक बॉडी यहां पर है जिसका मास है m, और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है से दिस इज y इक्वल्स टू 0, तो इसकी पोजीशन है y इक्वल्स टू 3r बाय 4. एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m है और उसकी पोजीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 8 11r बाय 8. तो बहुत सिंपल सा हो गया, दो पॉइंट मासेस बन गए हैं हमारे, उनकी पोजीशन हमको पता है सेंटर ऑफ मास की, और यह उनकी पोजीशन हमें पता है, तो आप सीधा लगा सकते हैं बच्चों यहाँ पर y is equals to m1 x1 या m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. तो ये लगा देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, y will be m 3r by 4 plus m 11r by 8 divided by 2m, mass of the system. Cancel. So what we have? We have 6r plus 11r divided by 16. So it comes out to be 17r by 16. तो इस तरह से आप combinations को जो extended bodies हैं उनको एक point mass की तरह treat कर सकते हैं और problems को solve कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था in a combination of point masses. ठीक है, तो इसमें एक और टाइप की प्रॉब्लम बनती है, अगर आपके पास एक डिस्क दी हुई है, देखो डिस्क वाला प्रॉब्लम देखो, तो इसमें आपको दिया है एक डिस्क है, इस डिस्क में इसका रेडियस है 2r, तो लेट अस से द रेडियस इज 2r,
अब इसमें से हमने एक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर रिमूव कर दिए, ओके। तो हमारे पास एक क्रेसेंट टाइप का ये शेप बचा हुआ है, सो दिस इज योर रिमेनिंग डिस्क। तो हमें बताना है कि हमारी जो ये डिस्क बची हुई है, जो रिमेनिंग डिस्क है, इसका सेंट्रल मास कहां पर होगा। आपको दिया हुआ इस रिमेनिंग डिस्क का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, ओके। तो आपको पता था कि अगर ये कंप्लीट डिस्क होती तो उस केस में सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करता एट द सेंटर, ओके। पर अब अगर हमने इसको रिमूव कर दिया यहां पर, तो राइट साइड पर मास ज्यादा शिफ्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क, इट विल बी अलोंग दिस लाइन समवेयर यहां पर, ठीक है ना। जो रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा। अब इसको करते कैसे, इसको लोकेट कैसे करें, तो बच्चे यहां पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जिस मटेरियल की मेरी ये रिमेनिंग डिस्क है उसी मटेरियल की मैंने एक डिस्क ली और उसको यहां पर फिक्स कर दिया, ये जो हमने कैविटी बनाई थी इसी में फिक्स कर दिया। तो वो डिस्क मान लो कि ये, तो मैंने यहां पर ये डिस्क फिर से लगा दी, ठीक है। अब इस डिस्क का मास क्या है, इसका मान लेते हैं इसका मास है एम डैश, ओके। इसकी डेंसिटी, इस डिस्क की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एम डैश निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग मास अपॉन एरिया। इसका मास पर यूनिट एरिया और इसका मास पर यूनिट एरिया सेम होगा, तो आप लिख सकते हैं एम डैश विल बी मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। इसका एरिया क्या होगा, टोटल इसका पूरा बड़ा सर्कल और उसमें छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो उसका एरिया मिल जाएगा। सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r, 1 r सॉरी पाई r स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, m अपॉन, ठीक है। तो ये तो हो गया मास पर यूनिट एरिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एरिया से, इसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। सो वी विल हैव m, नीचे आपका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर दैट इज 3 पाई r स्क्वायर, तो m by 3 आपका आ जाएगा मास। तो ये जो डिस्क हमने ऐड करी है उसका मास कितना है, m by 3। अब आप इसको कैसे ट्रीट करो, अब इस डिस्क का और जो रिमेनिंग डिस्क थी इन दोनों का जो सेंटर मास होगा वो कहां लोकेट करेगा, वो यहीं पर लोकेट करेगा। तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, वी हैव वन मास जिसका मास है m by 3 और वी हैव अनदर मास जिसका मास है कैपिटल m, और इनका जो सेंटर ऑफ मास है मान लो कि वो समवेयर यहां पर है, और इसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस इज योर r, ठीक है ना। यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, r पर है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास x पर है, ठीक है, हमें नहीं पता कहां पर। तो सेंटर से, इस सेंटर से इसकी दूरी हमने मान ली x, तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, x है। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ लोकेटेड है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो ओरिजिन है दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास, अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो आप क्या लगा सकते हो, m1d1 इक्वल्स टू m2d2 हमने देखा था। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, m by 3 into r must be equals to mx, ऐसा कर सकते। तो यहाँ से m से m cancel, so you will get x is equals to r by 3। I hope आपको ये concept clear है। तो इस तरह से आप जो कटआउट डिस्क है हमारी, जो रिमेनिंग डिस्क है उनका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ सिमेट्री आपको दिमाग में रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर रिलाई करता है, और बेसिक जो हमारे कंसेप्ट हैं पॉइंट मासेस के केस में, हम जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं उसी तरह से हम एक्सटेंडेड बॉडीज का भी मास निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मोशन ऑफ द सेंटर मास जब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पर, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, एंड कब आप पर अगर जो आपका लीनियर मोमेंटम है हमारे सिस्टम का कब कंजर्व होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।